फटाफट घर पर अटैक करने की काफी कोशिश है। हेलो दोस्तों, जो कि दो दिन पहले हमने एक मगर रेस्क्यू किया था हथौली गांव से, तो गांव वालों ने इसको थोड़ा सा परेशान और ज्यादा ही इसको वो कर दिया था और इससे थोड़ा सा घबराया हुआ था। दो दिन हमने इसको रखा है, डॉक्टर की सलाह से इसका ट्रीटमेंट करके आज ये बहुत स्वस्थ है और हम पहुंच चुके हैं आज चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में गेता में। इसको रिलीज करेंगे यहाँ पर सुरक्षित। आप देख सकते हैं हमारे साथ गोलू नागर जो कि कैमरामैन दीपू सेन के साथ हम पहुंच चुके हैं। अब इनको सुरक्षित हम इस मगर को जो इसमें सुरक्षित हम इसको रिलीज करने वाले हैं। काफी लोग थे जो हमसे कह रहे थे मगरमच्छ आपने घर पे रख रखा है, लेकिन हमारी कुछ मजबूरियां होती है, इसका ट्रीटमेंट हमने डॉक्टर की सलाह से किया है और अभी ये स्वस्थ है एकदम आपके सामने और हम इसको अब रिलीज करेंगे यहाँ पर जो कि इसका यथावत स्थान है चंबल। कभी मेरी सभी लोगों से गुजारिश है, ये छोटा बच्चा है लेकिन बहुत खतरनाक होता है, इसकी पावर बहुत होती है जबड़ों की, जहाँ से पकड़ता है हड्डी के दो टुकड़े कर देता है। इसलिए मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि इन जानवरों से दूर रहे, कभी अगर आपको नजर आता है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वन विभाग में सूचना करें और उनकी सहायता लें। और ये देख सकते हैं आप, हम पहुंच चुके हैं नदी के किनारे पर जहाँ की ये अब आजाद जो घूमेगा और हम इसकी रस्सी को खोलेंगे पहले, उसके बाद क्या नाम से टेप खोलेंगे, पहले रस्सियां खोलनी है। मैं खोल दो बेटा, ये छूट गया था हमारी पकड़ से और अगर ये छूट जाता तो इसको निश्चित मरना पड़ता है क्योंकि इसके मुंह पे टेप लगी हुई है। फटाफट घर और फटाफट घर पर अटैक करने की काफी कोशिश है इसकी, आप देख सकते हैं, लेकिन हम इसके मुंह पे से टेप हटाने के बाद इसको छोड़ेंगे ताकि ये अपना भोजन कर सके। योगी अलबाई जन वीडियो कॉल आ गई मार की होगी बड़ी। हां बड़ी हां, इसका मुंह भी हमने खोल दिया है, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको आजाद कर रहे हैं हम क्या नाम से, आप देख सकते हैं और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर स्थान पर हमने इसको छोड़ दिया है, ये आजाद है इसकी जिंदगी जीने के लिए। ये बहुत ही खतरनाक चीज होती है, जहां से पकड़ता है इसकी पकड़ हाइना की मगर की दोनों की खतरनाक होती है। और इसी के साथ आगे मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, धन्यवाद।